राष्ट्रीय संत श्री ललित प्रभ व शांति प्रभ सागर महाराज का 4 दिवसीय प्रवास दुर्ग आगमन पर सकल जैन समाज द्वारा आगवानी कर अभिनंदन किया गया, जहां वे अपने 4 दिवसीय प्रवचन श्रृंखला में जीवन नव निर्माण एवं जीवन जीने की कला पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। राष्ट्रीय संत श्री ललित प्रभ एवं शांति प्रभ सागर जी महाराज का हर्षोल्लास के साथ 4 दिवसीय प्रवास पर दुर्ग आगमन के अवसर पर सकल जैन समाज के द्वारा बड़ी संख्या में गुरुदेव श्री आगवानी करने उपस्थित होकर गाजे बाजे के साथ सकल जैन समाज मूर्ति पूजक संघ एवं खतरकक्ष युवा परिषद के सदस्य भगवान महावीर के जय घोष के साथ गुरुदेव श्री की आगवानी की। इसी कड़ी में दुर्ग के ऋषभ कॉलोनी तक उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए लाया गया, जहाँ संत श्री ललित प्रभ सागर जी और डॉक्टर मुनि शांतिप्रिय सागर जी महाराज के मंगल आगमन पर धर्म संघ की बहनों ने अक्षत उछालकर गुरुजनों का स्वागत किया। इसके बाद दिव्य प्रवचन श्रृंखला 2 जुलाई से 5 जुलाई तक प्रारंभ हुई। गौरतलब है कि सकल जैन समाज के बैनर तले आयोजित प्रवचन श्रृंखला में जीवन नव निर्माण एवं जीवन जीने की कला पर 4 दिवसीय प्रवचन केंद्रित रहेगा, जिसके तहत जैन धर्म गुरु संत श्री ललित प्रभ धर्म सभा को पहले दिन संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में हमारा प्रथम बार आगमन हुआ है। हम छत्तीसी कौम सभी धर्म मजहब के लोगों को जगाने आए हैं। इस जागरण लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। छत्तीसगढ़ के लोगों की भाव भक्ति देखकर अभिभूत है, भाव विभोर है। हमें तो छत्तीसगढ़ की भूमि पर 36 वर्ष पूर्व ही आ जाना चाहिए था। संत श्री ने कहा कि जीवन में सुख दुख मेहमान की तरह होते हैं, लंबे समय तक जीवन में नहीं रहते। ऐसे समय में धैर्य का परिचय देते हुए जीवन को समता भाव से जीना चाहिए। हमें अपने जीवन के अंदर इंसानियत के भाव रखना चाहिए। हम संत बाद में इंसान पहले हैं। इंसान को इंसान समझते हुए जीवन को जिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रवचन श्रृंखला में आगे कहा कि पैरों में पड़ी मूछ और इंसान की छोटी सोच आगे बढ़ने में बाधक होती है। राष्ट्रीय संत श्री ललित प्रभ सागर जी महाराज ने कहा कि दुनिया में अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी। आपको वही नजर आएगा जैसा आपका नजरिया है। अच्छी दुनिया को देखने के लिए नजरों की नहीं, नजरिए बदलिए। हम केवल अच्छे लोगों की तलाश करते हैं, वरन खुद अच्छे बन जाएं। उन्होंने कहा कि बड़ी सोच के साथ दो भाई 40 साल तक साथ रह सकते हैं, वहीं छोटी सोच उन्हीं भाइयों को 40 मिनट में अलग कर सकती है। वहीं अपने दूसरे दिन रविवार को आओ कमाए दुआओं की दौलत विषय पर विशेष प्रवचन और सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें युवा पीढ़ी को जीवन जीने का शानदार पाठ पढ़ाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जैन समाज की महिलाएं व पुरुष शामिल हुए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।